A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zoomexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस एम सी क्यूज को पढ़ने जा रहे हैं. साइंस एम सी क्यूज के थ्रू हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. ये जो सेट्स हैं, ये कुछ सेट्स हैं, इसमें मैंने आपको मेंशन किया हुआ है अबाउट द बिहार PCS 2022 एग्जाम के बारे में. तो ये वो सारे सवाल हैं बिहार PCS 2022 में पूछे गए सवाल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड हैं, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. इसका पर्पज़ यही है कि आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं. आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा क्योंकि ये आपको सवाल ऑलरेडी आते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला सवाल जो है इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट. तो सीमेंट के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? लाइमस्टोन होता है, सिलिका क्ले होता है, जिप्सम होता है, ऐश होता है, या फिर इससे एक से ज़्यादा सब्सटेंस होता है या एक भी सब्सटेंस नहीं होता है? तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है. तो बताएं, NCERT का सीधा सीधा सवाल, क्लास 8 या क्लास 7 साइंस NCERT का सवाल है ये. NCERT पढ़ते वक्त भी हमने डिस्कस किया था और घुमा फिरा के इसको हमने बाकी के और क्वेश्चन सेट्स में भी डिस्कस किया है. तो बताएं, तो इसका सही जवाब है लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर. अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन इज द मेन कंपोनेंट. तो आप देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री जनरली वहाँ पे लगाई जाती है. जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि अगर आपको इंडिया के बारे में स्टडी करना है, और वर्ल्ड को भी मैं आपको बताऊंगी, तो अगर आपको इंडिया को स्टडी करना है तो आपको देखना होगा कि वहाँ का जियोलॉजी कैसी है. मतलब वहाँ पे अगर आपको रॉक का स्ट्रक्चर्स कैसा है आपको ये समझ में आएगा. जैसा रॉक का स्ट्रक्चर है, और रॉक का स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्लाइमेट के ऊपर. जैसा वहाँ का क्लाइमेट है और रॉक दोनों मिला के वहाँ की वेजिटेशन डिसाइड करती हूँ. जैसी वेजिटेशन होती है वो वहाँ का फौना डिसाइड करती है. वहाँ पे उसी तरीके के एनिमल्स जो है वो पाए जाएंगे. जिस तरीके की वेजिटेशन होगी वो ये भी डिसाइड करती है कि वहाँ पे किस तरीके की सेटलमेंट होंगी. और जो नीचे का जो रॉक स्ट्रक्चर होगा वो ये भी डिसाइड करेगा कि किस तरीके के इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाए जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आपको कुछ भी रटना नहीं होगा. मैं आपको काफ़ी लॉजिकली तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी. सो फोकस हेयर. अगर सीमेंट की बात करते हैं तो उसका मेन कॉम्पोनेंट क्या है? लाइमस्टोन. और क्या क्या होता है? लाइमस्टोन, सिलिका भी होता है, कैल्शियम सल्फेट भी होता है, आयरन ऑक्साइड भी होता है. यू कैन रीड फ्रॉम दिस PDF. अगला जो सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है. क्या सिलेक्ट करना है आपको? इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. पहला स्टेटमेंट है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पहला स्टेटमेंट. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास. ये तो एकदम सही बात है. एटमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम ऑफ एन एलिमेंट. आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल इन मेडिकल फील्ड, इन कार्बन डेटिंग, एक्सेट्रा. या फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है या कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट. नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है. तो हम अगर बात करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. तो एटॉमिक नंबर क्या होता था? एटॉमिक नंबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर एटम के अंदर. तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाता था. तो एटॉमिक नंबर किसको कहते थे हम? सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. फिर हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते थे, उसका नेग्लिजिबल मास होता था. ये भी करेक्ट है. आइसोटोप्स क्या होते थे? ऐसे एलिमेंट जो कि यूज, आइसोटोप जो होते हैं वो किस किस में यूज़ किए जाते हैं? वो यूजफुल होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल में, मेडिसिन में. ये सारी बातें भी ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट लगा होगा कुछ लोगों को, बट फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. कैसे? एटम्स जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नो डाउट अबाउट इट. जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को. तो एटम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. किसकी वजह से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. अब इसमें कैच है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन. अगर आप एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा एंड प्रोटॉन होगा. इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर चक्कर लगाते हैं. यहाँ पे इन्होंने लिख दिया न्यूक्लियस के अंदर है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर आपने इसके ऊपर अटेंशन पे नहीं किया. तो जब भी आप किसी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, आपको उसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है, तो आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना पड़ेगा. तो आप बाकी का चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेशन में से पढ़ लीजिए. बाकी एक्सप्लेनेशन आप PDF से पढ़ लेना. तीसरा सवाल स्क्रीन इस सेट का. तो तीसरा सवाल है, वाटर पासिस फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स.
जो हम पानी डालते हैं मिट्टी के अंदर या जो भी पौधे होते हैं जो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? कौन सा फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो इन्वॉल्व होगा? डिफ्यूजन इन्वॉल्व होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या ऑस्मोसिस होगा, राइट? इन चारों में से या इसमें से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो बताइए। पौधे या पेड़ जो है रूट्स के थ्रू पानी को मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी जो है सारी जगह पर फैल जाता है, तो वो किस प्रोसेस की वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का नाम है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है या डिफ्यूजन की वजह से होता है? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, आई एम 100% श्योर, आप में से बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ होते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जो बेसिक जो डिफरेंस होता है वो आपको पता नहीं चलता कि वो क्या है। तो इसका आंसर भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में से एक ही है। बताएं इसका क्या सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ऑस्मोसिस। तो अगर आप बात करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के केस में, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, ऑस्मोसिस जो होता है ना, उसमें क्या होगा, रूट्स होती हैं जो प्लांट की, वो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे करते हैं कि जहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है उस तरफ पानी चला जाएगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी की से लोअर कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे पानी का, वहाँ पर चला जाएगा। तो पानी पौधे के अंदर कम है और मिट्टी के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू वो चला जाएगा। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन की। ओके, अगर आप चाहते हैं डिटेल में ऑस्मोसिस ऑफ और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना, तो आपको मेरे ही एक लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा, आप डिफरेंस को आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका सही जवाब है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन के लिए कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर देती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट और पार्टिकल्स की सारी कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है डिफ्यूजन। डिटेल में हम एक अलग से जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है, छोटा सा लेक्चर होगा वो भी। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन नाइट टाइम इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज। पेड़ों के नीचे नाइट टाइम में एडवाइज नहीं किया जाता सोने के लिए, बताइए क्यों? बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरीके के सवाल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। पहला कि डेलिब्रेट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, रात को कम ऑक्सीजन दे रहे हैं। डेलिब्रेट हार्मफुल गैसेज एट नाइट, कोई हार्मफुल गैस निकल रही है। दे लिब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं रात को। दे लिब्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रात को कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। या इससे ज़्यादा ऑप्शन, एक से ज़्यादा या इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये आपसे इस सवाल के अंदर पूछा गया है, बताएं। अब इसके जो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा, कोई कहेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। देखो, मैं एक एक ऑप्शन को निगेट करूँगी यहाँ पर, ठीक है, तब आप सही जवाब की तरफ पहुँच जाएंगे। मोर देन ऑफ द अबव तो देख लेते हैं अभी आता है कि नहीं। डी को आप देखिए, दे लिब्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लांट जो है रात को कार्बन मोनोऑक्साइड लिब्रेट करते हैं, एकदम गलत। पहले तो यही ऑप्शन एकदम गलत है, राइट? सेकेंड, दे लिब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये लिब्रेट करते हैं, तो इसका जवाब ये भी हो सकता है दे लिब्रेट हार्मफुल गैस एट नाइट। हमारे लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल है, तो हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं नाइट पे, क्या ऐसा कुछ है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात को पौधे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे रिलीज कर रहे थे उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि वो रात को रिलीज कर रहे हैं, वो दिन में भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे। कैसे? आप तो वो सोचेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब वो खाना बना रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन जब पौधे खुद का रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, मतलब खुद का रेस्पिरेशन, उसे खुद भी तो कुछ करना है ना, खुद को अपने आप को जीने के लिए पौधे को अपना खुद का रेस्पिरेशन भी करेगा, आपका खुद का बनाया हुआ खाना खुद को यूटिलाइज करेगा वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बाकी के प्रोसेसेस के लिए। उस प्रोसेस में होती है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो अल्टीमेटली लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। तो वो सब टाइम पे हो रहा है, सुबह भी हो रहा है, शाम को भी हो रहा है, दिन में भी हो रहा है, हर टाइम पर हो रहा है। बट रात को ऐसा क्या खास हो रहा है? रात को खास बात ये हो रही है क्योंकि सन नहीं है प्रेजेंट, सूरज देवता जो है, जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हमारी अर्थ पे एनर्जी आती है, वो हमारी अर्थ रोटेट हुई हुई है जिस साइड पे रात है, तो वो सूरज जो है हमें नहीं मिल रही है सूरज की रोशनी, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है कम हो जाता है, एब्सोल्युटली रुक जाता है। क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे भी कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो होगा वो लेस हो जाएगा, दिस शुड बी द राइट आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि सन की एब्सेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेम है, वो जितना कर रहा था, फॉर एग्जांपल अगर पहले 10 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था दिन में वो एक पौधा जिसकी हाइट जो भी है, तो रात को भी वो 10 यूनिट्स ही कर रहा है। लेकिन हो सकता है मॉर्निंग टाइम में वो 100 यूनिट्स का ऑक्सीजन दे रहा था,
लेकिन रात को वो कितना दे रहा है, सिर्फ 2 units ऑक्सीजन दे रहा है, और 2 units ऑक्सीजन और 110 units कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी अगर आप रात को पौधे के नीचे बैठ जाओगे, पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ ऑक्सीजन. तो इसलिए वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. तो इसका सही जवाब है, मेरी तरफ से इसका सही जवाब है ए, राइट. ये जो सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई है, ये पूरी की पूरी आप PDF से पढ़ सकते हो, राइट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. LPG का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, बताएं. बहुत आसान सवाल, अगेन NCERT का सवाल, सीधा, एकदम सीधा सवाल. LPG का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है. देखिए, प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है LPG के अंदर, लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन, राइट. तो ब्यूटेन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. अगर आप LPG की बात करेंगे तो उसके अंदर प्रोपेन भी आपको मिलेगा, बट मेजरली ब्यूटेन मिलता है. सो दैट्स इट. ये इस सेट के कुछ सवाल थे, बिहार PCS में 2022 में पूछे गए हैं सारे के सारे सवाल. आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि आपको ये सवालों में से कितने सारे सवाल ऑलरेडी आते थे. सो थैंक यू सो मच. इसी तरीके से पढ़ते रहिए. अगर आपको पसंद आ रही है लेक्चर सीरीज, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और बाकी लोगों को भी बताइए. अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई इसी स्पेशल टॉपिक पर लेक्चर लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के आपको बताया है ईमेल एड्रेस Zoomexa क्लासेस का. तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.